बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। अपने चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ आप कैसे हैं? तो हमारे फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स चलते हैं और वीडियो की सूरत में आपके पास होते हैं। इन लेक्चर्स के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या नाइन्थ और टेंथ की फिजिक्स और मैथ की बुक्स में किसी टॉपिक का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मोहम्मद अब्बास के साथ मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर जो फिजिक्स नाइन्थ पर है, चैप्टर नंबर 2, थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है, इस पर हम वीडियोस बनाएंगे और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादातर मैथमेटिकल हैं। तो आए, आज हमारा पहला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर्स और वेक्टर्स पर डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो आए हम फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड are called physical quantities. The quantities which can be measured are called physical quantities. Some examples of physical quantities are force, length, and time. These quantities are physical quantities. Now these quantities can be divided into two types. Number one, scalars. Number one, scalars. Now we can define scalars. अब हम scalars की तारीफ करते हैं। The quantities which can be described by magnitude and a suitable unit. Suitable unit are called scalars. ऐसी मिकदारें
जिनको बयान करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट की जरूरत पड़ती है, स्केलर्स कहलाती हैं। सम एग्जांपल्स आर गिवन एज टाइम, स्पीड, लेंथ, वगैरह। अब हम फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है वेक्टर्स। द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट एंड आल्सो विद डायरेक्शन। ऐसी मिकदारें जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और इसके अलावा डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उनको वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स की डेफिनेशन, वेक्टर्स की तारीफ कुछ यूं भी की जा सकती है, द स्केलर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, द स्केलर्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम आगे तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यू मैथ को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी बजा दिया करें। तो अब हम शुरू करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरफ आते हैं, जो कि स्पीड है। तो हम स्पीड पर कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन
यूनिटाइन इज कॉल्ड स्पीच. दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड इज कॉल्ड स्पीच. इट इज डिनोटेड बाय v. It is denoted by v. It is a scalar. It is a scalar. Its unit is मीटर पर सेकंड. अब हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं जो के दर्ज जैल है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. It can also be written as V is equal to S over T. तो यहां से तीन पॉइंट्स सामने आए जो कि आगे चल के आप डिफ्रेंशिएट में भी पढ़ेंगे. नंबर एक स्पीड की डेफिनेशन, नंबर दो इसको किस से डिनोट करते हैं, नंबर तीन इट इज स्केलर आर वेक्टर. सो इट इज स्केलर. नाउ वी डिस्कस अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट. Displacement is denoted by D. Now we define displacement. अब हम displacement की definition करते हैं. The shortest distance. The shortest distance between two points is between two points which has magnitude and direction is called displacement. It is denoted by D. It is a वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दो पॉइंट्स के दरमियान
मुख्तसर तरीन फासला जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर मुश्तमिल होता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको डी के साथ डिनोट करते हैं। डी अगर बोल्ड होगा तो उसके ऊपर एरो डालने की जरूरत नहीं, और अगर डी बोल्ड नहीं है तो डी के ऊपर एरो डालकर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ बेसिक यूनिट। तो ये था आज हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस किया। इसके बाद एक एग्जांपल स्केलर्स के लिए जो कि स्पीड थी उसको एक्सप्लेन किया, फिर एक एग्जांपल वेक्टर्स के लिए जो कि डिस्प्लेसमेंट था उसको डिस्कस किया। तो इसके साथ ही मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दी।